प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि और उसके भेद। इससे पहले हम जान चुके हैं संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा और विसर्ग संधि की परिभाषा। आइए देखते हैं स्वर संधि और उसके उपभेद। जैसा कि हम जानते हैं कि दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। धर्म अर्थ, जब इसमें अ और अ दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो आ बन जाता है। इसी प्रकार रवि जमा इंद्र, रवि में जो व के साथ अंतिम वर्ण मिला हुआ है वो है ई, और इंद्र का प्रथम वर्ण है ई। जब ई और ई आपस में मिलते हैं तो ई बन जाता है। इसी प्रकार नर जमा इंद्र, नर का जो अंतिम वर्ण है र के साथ मिला हुआ है वो है अ, और इंद्र का जो प्रथम वर्ण है वो है ई। अ और ई मिलकर के ए बन जाता है, तो पूरा पद क्या बना? नरेंद्र। इस प्रकार से स्वर संधि क्या हुई? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनमें परिवर्तन आ जाता है, विकार आ जाता है, वर्णों के आपस में मिलने से उनमें बदलाव आ जाता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि। बात करते हैं दीर्घ संधि की। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। अ वर्ण के बाद यदि अ वर्ण आए, ई वर्ण के बाद ई वर्ण आए, उ वर्ण के बाद उ वर्ण आए। अ वर्ण से हमारा तात्पर्य है अ या आ, ई वर्ण से हमारा तात्पर्य है ई या ई, उ वर्ण से हमारा तात्पर्य है उ या उ। जब ये आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार से बनता है। देखिए अ अ मिलकर आ बन जाता है। धर्म अर्थ, धर्म में अंतिम वर्ण है वो है अ, अर्थ का पहला वर्ण है अ, दोनों मिलकर के अ और अ मिलकर के आ बन गया, तो पूरा पद क्या बना? धर्मार्थ। इसी प्रकार देव आलय, देव जो प्रथम पद है उसमें व के साथ अ वर्ण मिला हुआ है, आलय उत्तर पद है उसमें जो पहला वर्ण है वो है आ, आ मिलकर के आ बन जाता है, तो देव जमा आलय मिलकर के देवालय बना। इसी प्रकार रेखा जमा अंश क्या बना? रेखांश। महा जमा आत्मा, आ आ मिलकर के आवरण बन जाता है, क्या बना? महात्मा। अब बात करते हैं ई वर्ण की। ई ई मिलके ई बन जाता है, ई ई मिलके ई बनता है, ई ई मिलके ई बनता है, ई ई मिलकर के ई बन जाता है। कवि जमा इंद्र, कवि में ई है, इंद्र में ई है, मिलकर क्या बनाते हैं? ई बनाते हैं, कविंद्र। इसी प्रकार गिरि जमा ईश, गिरीश। योगी जमा इंद्र, योगिंद्र। रजनी जमा ईश, रजनीश। बात करते हैं उ वर्ण की। उ मिलके उ बनाते हैं, उ और उ मिल जाए तो उ बनता है, उ और उ मिलकर के उ बनता है, उ मिलके उ बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब ऊ वर्ण के साथ मिलेगा तो वह दीर्घ उ हो जाएगा, उ बन जाएगा। लघु जमा उत्तर क्या बना? लघुतर, क्योंकि लघु में घ के साथ उ मिला है और उत्तर का जो प्रथम वर्ण है वो है उ, उ और उ मिलके उ बन जाता है लघुतर। इसी प्रकार लघु जमा उर्मी, लघुर्मी। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। गुण संधि में जो हमारे नए वर्ण है वो ए ओ अर बनते हैं।
देखिए गुण संधि या आ के बाद यदि ई आए तो ए बन जाता है, ए या आ के बाद उ आए तो ओ बन जाता है, ए या आ के बाद री आए तो अर बन जाता है। नर जमा इंद्र, नर में अंतिम वर्ण अ है और इंद्र का पहला वर्ण ए है, ए और ई मिलके ए बनाते हैं, तो पद क्या बना? नरेंद्र। इसी प्रकार कमल जमा ईश, कमल में अ है और ईश में ई है, ए और ई मिलके ए बनता है कमलेश। आ ई मिलके ए बनाते हैं राजा जमा इंद्र राजेंद्र। इसी प्रकार अ ऊ मिलके ओ बनाते हैं, आ ऊ मिलके ओ बनाते हैं महा जमा ऊर्जा महोर्जा। अ और री मिलके अर बनता है, क्या बना? देव जमा ऋषि देव ऋषि। कहने का तात्पर्य यह है कि ए या आ के बाद ई या ई आई, अ वर्ण के बाद यदि ई वर्ण आता है तो ए बन जाता है, अ वर्ण के बाद यदि उ वर्ण आता है तो ओ बन जाता है, अ वर्ण के बाद यदि री आता है तो अर बन जाता है। अ वर्ण से हमारा तात्पर्य है अ या आ, ई वर्ण से हमारा तात्पर्य है ई या ई। वृद्धि संधि, अ आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो ऐ बनता है, आ के बाद ओ औ आए तो औ बनता है, ए वर्ण के बाद यदि ए वर्ण आता है ए या ऐ आता है तो ऐ बनता है, ए वर्ण के बाद यदि ओ या औ आता है तो औ बनता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। एक जमा एक, एक का जो क के साथ अ मिला है, एक का जो प्रथम वर्ण है वो ए है, ए और ए मिलके अई बना, क्या बना? एक एक। मज्जा में एक क्या? मत क्या? सदा जमा में एव सदैव। इसी प्रकार आ और अई मिलते हैं तो अई बनता है। महाजा में ऐश्वर्य महेश्वर्य। वन जा में औषधि अ और ओ मिला तो औ बनता है, वन औषधि आ और ओ मिला तो औ बना, क्या बना? महोज। बात करते हैं यण संधि की। यण संधि से हमारा तात्पर्य है य व र बनना। तो यण संधि देखते हैं, अ ई उ और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए, ई वर्ण उ वर्ण और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई का यह बनता है और उ का वह बनता है और री का र बनता है। अति जमा अधिक, अति प्रथम पद है, प्रथम पद में त के साथ ई है और दूसरा पद अधिक है, अधिक का जो प्रथम वर्ण है वो अ है, अ ई मिलके यह बनता है। जो अति में ई यदि हम निकाल देंगे तो हलंत वाला बचेगा, तो अत्य और ई का क्या बन गया? ई और ए मिलके यह बन गया अत्यधिक। इसी प्रकार देवी जा में आगमन, वो के साथ ई आया है, यदि हम इसमें से ई को अलग करेंगे वो हलंत का बचेगा, तो वो आधा व और ई का यह बनेगा और आगमन आ इसके साथ मिलेगा, ई और आ मिलके या बन जाता है। देवी जा में आगमन देवी आगमन। ऊपरी जमा उक्त, ऊपरी प्रथम पद है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो र के साथ ई मिला हुआ है, यदि हम इसमें से ई को अलग करें तो हलंत का र बसता है और ई का क्या बनेगा? य बनेगा और जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण उ है, ई उ मिलकर के यू बनता है, क्योंकि ई का क्या बन गया? यह बन गया, क्योंकि यदि ई ई उ उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया है उ आया है तो ई का यह बन गया और उ उसके साथ मात्रा लगी यू बन गया, तो क्या बन गया? उपर्युक्त। सु जो में अच स्वच्छ, स के साथ उ मिला हुआ है,
यदि इसमें से हम उ को अलग कर देंगे तो सो हलंत वाला, और दूसरे पद का अ मिलता है तो क्या बनता है, व बनता है, तो पूरा पद क्या बना, स्वच्छ। इसी प्रकार सु जमा आगत, उ और आ मिलके वा बनता है, क्या बन गया, सुआगत। प्रभु जमा एषणा प्रभेषणा, यदि हम जो प्रभु पद है इसमें से उ निकालते हैं, भय हलंत यानी के आधा भ बनता है, उ का व बनता है, एषणा में जो पहला वर्ण है वो ए है, उ और ए मिलके वे बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उ का व बन गया और ए इस पर मात्रा लगी, वो बना वे। और भ हलंत का बचा हमारे पास, क्योंकि उ का क्या बन गया, व बन गया, प्रभूषणा। इसी प्रकार मातृ जमा आज्ञा मातृज्ञा, री और आ मिलके री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो रो बनता है, और जो उसके साथ आ दूसरा पद है उसका पहला वर्ण आ है, आज्ञा का पहला वर्ण आ है, तो क्या बना, र में आ मिलकर के रा बन गया। अब बात करते हैं हम अयादि संधि की। किसकी बात करते हैं, अयादि संधि की बात करते हैं। अयादि का क्या तात्पर्य है, अयादि संधि अय बनना है, आय बनना है, औ बनना है, औ बनना है। तो अयादि संधि में ही यह एक संकेत छिपा हुआ है कि किस प्रकार के वर्ण बनने हैं, वर्णों में किस प्रकार का बदलाव होगा, जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे उनमें किस प्रकार से विकार पैदा होगा। अयादि अय आए औ आओ बनना है। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का अय बनता है, ऐ का आय बनता है, ओ का औ बनता है, औ का आओ बनता है। ने में यदि हम अन मिलाए, ने पहला पद है, न के साथ ए मिला हुआ है, अन दूसरा पद है, दूसरे पद का पहला वर्ण अ है, ए और ओ मिलके आए बना। वैसे तो जो एक का क्या बना है, आए बनना है, हलंत वाला बनना है, परंतु दूसरे पद में अ मिला हुआ है इसलिए अय पूरा अय बन गया है। यह यहां पर हलंत का नहीं होगा क्योंकि दूसरे पद का पहला वर्ण अ है, जो भी दूसरे पद का पहला वर्ण है उसी की मात्रा इसमें लग जाएगी। तो क्या बना, ने जामे अन नयन, नई जामे अक। यदि अई है तो अई का क्या बनना है, आए बनना है, अक ए और अ मिलकर के आए बनता है, अई और अ मिलके आए बना, नई जमा अक नायक। ओ जमा में अन, यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो औ बनता है, प में क्या मिला हुआ है, ओ मिला हुआ है, इसके साथ जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण है अ, ओ और अ मिलके क्या बना, औ बना। उसी प्रकार पाउ जमा अन आउ और अ मिलके क्या बना, आओ बना, क्या बन गया, पाऊ जमा अन पावन, भाऊ जमा उक, आऊ और ऊ मिलके क्या बना, आऊ, क्या बन गया, भावुक। यानी जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण यदि ए आए तो आए बनना है, ए आए तो आए बनना है, ओ आए आओ बनना है, आऊ आए आओ बनना है। कब बनेंगे ये, जब ए ऐ ओ औ के बाद इनसे अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए। भौ जमे उक, औ आया है, औ के बाद कोई अन्य स्वर आया है, औ का क्या बन गया, आओ, आओ बन गया, वो को हंत लगा, उ सामने वाला जो वर्ण है ओ और ऊ मिल रहा है तो ओ का आओ बना है, ऊ इसके साथ मात्र लगे, क्या बन गया, आओ बन गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने पढ़ा स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के पांच भेद, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और गुण संधि। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही काफी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के
क्या क्या नियम है व्यंजन संधि बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।